रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। प्यारे मित्रों, आइए आज हम तृतीय दिवस की भगवान शिव की पावन कथा में प्रवेश करते। सभी को ओम नमः शिवाय, जय माता दी। तो यहाँ पर व्यास जी ने कहा है कि एक समय की बात है कि श्री गंगा और कालिंद्री के पावन तट अर्थात तीर्थराज प्रयाग में सभी ऋषियों का समागम हुआ और उस समय पौराणिक सूत जी भी वहाँ पर पधारे और ऋषि मुनियों ने उठ करके उनका आदर किया, स्वागत किया, पूजा किया और इसके बाद में आसन पर उनको बिठाया गया। कलयुग में सभी पापी पाप से ग्रसित हो रहे हैं तो सत्कर्म से रहित हो रहे हैं, परनिंदक परिस्त्रीगामी हो रहे हैं, दूसरे की हत्या करने वाले हो रहे हैं, देहाभिमानी हो रहे हैं, आत्मज्ञान रहित हो रहे हैं, नास्तिक हो रहे हैं और यहाँ तक कि माता और पिता तो द्वेष करने वाले हो रहे हैं और स्त्रियों के दास होकर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वैश्य भी संस्कारहीन हो रहे हैं, अपने धर्म से रहित कुमार्गगामी हो रहे हैं, ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्मों को छोड़ करके तिलक और छापा लगा करके ब्राह्मणों सा आचरण करने वाले हो रहे हैं। तेजस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता शालिग्राम आदि पाषाणों पर दर्भ से पूजन करने वाले कुकर्मी विद्यावाद विवाद धर्म और दंभी अभिमानी कूर धर्म वर्ण के नाशक दुष्कर्मी हो रहे हैं। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो रही हैं, वे तमोगुण वाली पति से विमुख यार के साथ में रहने वाली माता पिता की भक्ति से रहित नित्य रुग्णः रह करती हैं तथा उनकी नष्ट बुद्धि वाली संतानों की क्या दशा होगी। वे सदगति को किस उपाय से प्राप्त करेंगी, अतः इस दुख का निवारण करने वाला कोई सरल सा व्रत या उपाय या पूजन मुझे बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर के भगवान सूत जी शंकर जी का ध्यान करने लगे। भगवान सूत जी ने जैसे ही शंकर जी का ध्यान किया तो सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, आपके लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है, आपने लोक की मंगल कामना के लिए उत्तम प्रश्न किया है कि जो जो ये आपने कहा है ये निरंतर निश्चय ही कलयुग में चल भी रहा है। कलि के पापों को नाश करने वाला परमार्थदायक यह शिव पुराण वेदांत का ही एक स्वरूप है, जिसके पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। व्यास के द्वारा कहे गए इस पुराण के महत्व को मैं आपसे कहता हूँ। व्यास जी का कथन है कि इस पुराण के महत्व को मैं आपको बताऊं कि शिव पुराण एक छोटा या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, पूरे का पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। YouTube के माध्यम से आपने थोड़ा सा भी सुन लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा वह व्यक्ति और उसके आचरण करने वाला तो क्या एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिव जी ने इस प्रकार सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है, अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। यह शिव पुराण कोई साधारण पुराण नहीं है प्यारे। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन किया गया है। इसकी प्राप्ति के विषय में यदि हम चर्चा करें तथा शिव की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान इसके अंदर समाहित है। शिव ने पहले 100,000 श्लोकों का इसको बनाया, अर्थात विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, इसमें 10,000 श्लोकों की है ये, तथा उमा संहिता और मातृ संहिता ये 8,000 श्लोकों की है। 6 रुद्र संहिता 13,000 श्लोकों की है। कैलाश संहिता 6,000 श्लोकों की है और मित्रों इसके साथ शतरुद्र
3000 श्लोकों की है, कोटि रुद्र 9000 श्लोकों की है और सहस्त्र कोटि रुद्र 11000 श्लोकों की है। धर्म संहिता 12000 श्लोकों की थी, परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिव जी ने केवल 24000 श्लोकों के माध्यम से यह दिव्य ग्रंथ हमको प्रदान किया है। अब इसमें केवल 7 संहिताएं ही हैं, विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सप्तरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीर संहिताएं और सप्त में संहितामय शिवपुराण का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ और कल्याणदायक बताया गया। तो प्यारे मित्रों और भक्तों, आज तृतीय दिवस की कथा को हम यहीं पर विश्राम लेते हैं, पुनः आगे की दिव्य कथा का रसास्वादन हम लोग करेंगे। तब तक मस्त रहिए, भगवान के भजन में मगन रहिए और जीवन में व्यस्त रहिए। जय माता दी, जय माता।